दिक्कत ही हो रही है, यहाँ पे मिट्टी इतनी लूज है ना, आगे देखो भाई सांप फिर आ गया है। तो भैया जैसे कोई अगर आदमी कूद के आए उसको भी झटका लगेगा, वो भी पीछे बाय बाय। चलो कुछ अच्छी लग रहे हो, देखो अब मलाई लगी मुंह पे। चलो राधा, मैं भी हम जा रहे अपने फार्म आज, लेकिन अपनी गाड़ी से ड्राइव करके नहीं जा रहे थे, मंगा लिया इनोवा ताकि आराम से लेट के जाएंगे। बड़ी बोतल ले तो आए, फिट नहीं हो रही यहाँ पे। चलो आ गई भी, यानी कि बहुत टाइम लगता है जाने में, तो जाने आने में एक तो रेस्ट नहीं हो पाता, वहाँ जाके थकान हो जाती, दूसरी चीज़ बैक बड़ी देर होती, तो ये मंगाई बड़ी गाड़ी, रिक्लाइन करके सो के जाएंगे। पहुंच चुके अपने फार्म पे, आज एंट्री करेंगे यहाँ से। एंट्री करते ही आज हम लेंगे जय गौ माता। मैं ऐसे ही कल वो किताब पढ़ रहा, मैं भाई निकलते जाऊँ। भारत भूमि में माता होती है, लेकिन जो भूलोक है, धरती है, यहाँ पे वेदाओं में चार माताओं को बहुत पूजनीय माना गया है। भगवानों की बात नहीं कर रहा, भगवान तो अलग लोक में रहते हैं, लेकिन इस धरती लोक पे भू माता, धरती माता है, धरती माता की जय। वेद माता, हमारी वेदाओं को भी माता माना गया है, क्योंकि सारा ज्ञान हमें उनसे ही आया, हम उनसे ही हैं। और उसके बाद गौ माता और फिर गंगा माता, तो ये चार माताएं हैं इस धरती लोक पे जो बहुत पवित्र है। और आप सोचिए गांव को भी, गायों को भी वेदाओं में वो स्थान दिया गया है। तो चलते हैं फार्म पे, अभी देखते हैं क्या, बहुत कुछ बन गया है मेरा यहाँ पे, एंड अपना फार्म अभी काफ़ी ज़्यादा रेडी है। मार्च मिड में कोशिश ये रहेगी, हालांकि थोड़ा ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक बोल रहा हूँ मैं, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बहुत कुछ हो जाए। एंड ये हमारी मेन एंट्रेंस होगी, यहाँ पे हम सोच रहे हैं अपने प्रभु कन्हैया लाल की, जिनको गायों से इतना प्यार था, उनका यहाँ एक मंदिर स्थापित करेंगे, ताकि कोई भी एंट्री करे तो पहला आशीर्वाद प्रभु का उनको मिले। सांप की स्टोरी बताना भूल गया, सांप निकला था उस जगह से, कहीं जो लुई वितौन का सांप था ना, वहाँ से निकला था। तो जब वो आया तो पास में ही तो एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे सपेरे ही रहते हैं, और उनको पूरी, अभी मैं चल तो नहीं रहा जहाँ पेड़ लगाया हूँ, सॉरी मैं साइड में, उनको पूरी नॉलेज है सांपों की, तो उनको बुलाएगा पकड़ने के लिए। तो ये बताते हैं भैया कि वो तो यार बिल में घुस गया, और ये लोग पीछे पीछे उसके बिल के अंदर घुस गए उसके। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, क्या अंदर घुस गया बंदा, उसको फिर पकड़ के निकाला। तो बहुत लोग बोल रहे हैं वो इंडियन रसल वाइपर है, जहरीला, कुछ लोग कह रहे हैं जहरीला नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके फार्म पे सांप आए तो बहुत शुभ है, ये शुभ संकेत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूजा करा लो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्या है, बट एनीवेज अंदर घुस गया। और बोलते हैं कि वो लोग इतने माहिर होते पकड़ने में, पकड़ के निकाल लिया उसको, और उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी पकड़ के निकाल लेते हैं, और कहते हैं कि जो वहाँ पे सांप है, मतलब उनको बच्चे हैं और जो आदमी है वहाँ पे, उनको छोटे मोटे सांपों को काटा लगता भी नहीं है, मतलब शायद वो इम्यून हो गए हैं क्या, उनकी बॉडी ने वैसे बना लिए हैं भैया एंटीबायोटिक सीरम बना लिया है, लेकिन क्या है भाई, लेकिन अमेजिंग। लेकिन मैं सोचता हूँ ह्यूमन बॉडी कितनी ज़्यादा रेजिलियंस है, मतलब क्या क्या कर देती है। इस वाली दीवार पे प्लस्तर हो गया, ये पूरा कमरे, दोनों कमरे कंप्लीट हो चुके हमारे, ये देखिए। और यहाँ पे भी दीवार बन रही है, काम चालू है यहाँ पे भी। इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, जैसे भैंस का दूध, जब कानपुर में हमारे आते को भैंस का दूध आता था भाई, देखो उसमें क्या बसा चटा था, हमें लगता था भैंस का दूध अच्छा होता है, क्योंकि हमेशा घर वाले बोलते थे कि हाँ गौ माता, तो भैंस का दूध अच्छा होता है क्योंकि मलाई ज़्यादा निकलती, तो घर पर वही मंगाते भाई, दूध का दूध हो गया, मलाई की मलाई निकला, घी का घी निकला। लेकिन आप देखेंगे भैंस का घी हमेशा सफ़ेद निकलता है, अगर आप गाय का दूध हल्का पीलापन होता है, और देसी गाय का, जब व्हेन आई एम रेफरिंग टू काऊ, समझो देसी गाय की बात कर रहा हूँ मैं, गिर गाय की बात कर रहा हूँ जो भारत की काऊ है, और उसका हल्का सा सुनहरा रंग होता है दूध में और घी में। अब उसका होता है तो रीज़न क्या होता है, जब आप एक गिर गाय को देखेंगे तो उसका एक हम्प होता है, तो जो उसका हम्प होता है उसमें बोलते हैं सूर्य केतु नाड़ी होती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ऐसा वर्णन है हमारे किताबों में प्राचीन, कि मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और गाय के, देसी गाय के शरीर में 33 करोड़ नाड़ियाँ होती हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि गाय का, जब आप फोटो देखेंगे किसी मंदिर जाएंगे, हमारे घर में जो वो गौदान के लिए गाड़ी आती है, तो गाय के शरीर में सारी देवी देवताओं का फोटो लगा होता है, तो बोलते हैं कि गाय के शरीर में सारे देवी देवताओं का वास होता है, और इसीलिए गाय इतनी पवित्र होती है कि उसका दूध, दही, घी, गौमूत्र और उसका गोबर सब इतना पवित्र होता है। भारत सरकार ने अभी एक स्कीम भी निकाली है, दे आर प्रमोटिंग कि जो घरों में पेंट हो रहा है वो गोबर से हो, क्योंकि उससे कोई आपके हार्मफुल वेपर्स नहीं निकलते, स्मेल जो आती है टॉक्सिन, जैसे आप पेंट कराते हैं तो टॉक्सिन स्मेल होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन गाय के गोबर से एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, घर में बीमारियाँ नहीं होती, इतनी गुणवत्ता वाला गोबर होता है। और देसी गायों का गोबर मैं बता रहा हूँ आज से 5 साल बाद बिकेगा, बहुत महंगा बिकेगा, तो उससे लेप लगाने से घर में बीमारियां कम होती हैं, गौमूत्र देखिए कितना पवित्र होता है। हाँ, सूर्य केतु नाड़ी की बात कर रहे थे, तो हम्प होता है गाय का, वैसे इन गाय का देखेंगे इनका हम्प नहीं है, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग करके हमने अपने लालच में आके
भारतीय नस्ल ख़राब कर दी है। एंड मेरे पास इतना कुछ होता ना बताने को, क्योंकि मैं इसमें बहुत डीप स्टडी करता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है। मेरे पास जैसे आप, मैं कभी भी किताबें नहीं पढ़ी, मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी मैंने, वो भी टीचर ने मार मार के पढ़ाई इंग्लिश की। तो मैं नॉवेल्स या रीडिंग का आदत नहीं है, बट जो सब्जेक्ट मैटर की रीडिंग होती है ना, मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो सॉरी अगर किसी को बोर कर रहा हूँ मैं, बट तो सूर्य केतु नाड़ी में वो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और उसकी जो सूर्य केतु नाड़ी होती है उसके अडर मतलब जो थन होते हैं वहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो ऐसे बोलते हैं कि जो जो अच्छे रेडिएशंस होते हैं और सूर्य की एनर्जी होती है वो गाय की यूरिन और काऊ में पास होती है, एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स गोल्डन कलर, और उसी से सारी गुणवत्ता आती है देसी काऊ में। एंड एक रिसर्च भी हुई थी, उसका मैं शायद स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगा, कि साइंटिस्ट ने काऊ यूरिन में कुछ ऐसे वो पार्टिकल्स पाए हैं जो सिमिलर है, जो सोने का रंग, सुनहरा रंग देते हैं उसको, तो वो सूर्य से ही आता है और सूर्य की एनर्जी गाय कैप्चर करती है। ऐसे इनका हम्प नहीं है गायों का, एक इस गाय का हल्का सा हम्प है, तो ये मतलब पूरी तरीके से अभी HF नहीं है, बट हाँ क्रॉस ब्रीडिंग करते तो शायद 20% देसी बची होगी, 80% HF होगी जो भी है। तो जो भी 33 करोड़ नाड़ियाँ होती हैं वो सूर्य केतु से जुड़ी होती है, और सूर्य केतु से वो स्पाइन में जाती है, स्पाइन से फिर उसके अडर में आती है और यूरिन में जाता है। तो ऐसी हमारी प्यारी गौ माता। ये भी बोलते हैं कि जैसे जो HF और जर्सी काऊ है ना, वो इमोशंस प्यार ना समझती ना रेसिप्रोकेट करती है, लेकिन जो देसी गाय होती है बहुत इमोशन समझती है आपके। और देखिए वेदाओं में भी देखिए भैंस को बकरी को सब दूध देते हैं, लेकिन किसी को भी माँ का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन गऊ को माँ का दर्जा दिया गया। तो बोलते हैं कि जो माँ का दूध होता है बच्चे के लिए सबसे अच्छा तो वही होता है, लेकिन अगर माँ के दूध के बाद जो सबसे सिमिलर दूध होता है वो देसी गऊ का होता है, और इसीलिए माँ बोला गया उसको। खुद ही सोचो, ये माएँ बहुत अच्छा रिलेट कर पाएंगे कि कोई अगर अपनी छाती का दूध पिलाता है तो उसके लिए वो बच्चा ही हो जाता है, हम जिसका दूध पीते हैं उसका दूध का कर्ज हमारे ऊपर चढ़ जाता है, तो वो हमारी माँ ही होती है, तो ये गाय हमारी माँ ही है। का हमने अभी शेड उतरवा के नीचे रख दिया है, क्योंकि इसमें छेद हो गए थे, पानी में बह रहा था, तो उसको रिपेयर करा के दोबारा लगाएंगे, और आगे जो हमारा ये एरिया पूरा तैयार हो चुका है। पेड़ भी लग गए, वाह यार, यहाँ पे भी वो चला है क्या, खुदाई कराई है क्या? एरिया कवर कर दिया हमने, तैयार हो गया ये, लास्ट टाइम यहाँ गड्ढे खुद रहे थे। सही है, काम हो रहा है, अच्छे रेट से हो रहा है ना। पौधे वौधे पूरे यहाँ पे लग गए। कौन से पौधे लगे हैं? ये पांडा है, इससे ना हेजिंग के लिए होता है बेसिकली। अच्छा अच्छा, नमस्कार भैया। ये घने हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से बाउंड्री बन गई तरीके से, इसकी कटिंग वगैरह हो जाती है तो अच्छी शेप में आ जाते हैं। बाकी ये पाम है, थोड़े टाइम में बड़े हो जाएंगे। ये पाम है कि फर्न है? फर्न है, तो पाम है, ये बॉटल पाम बोलते हैं इसको। यहाँ पर ऐसे एल शेप में पूरा ठीक है। तो ये बेसिकली सारा मिल्क यहाँ पे आपका बॉइल हुआ, ठीक है, ठंडा करने के लिए। पहले हम इसको ऑयल सेक्शन बना रहे थे, बट अभी हम सोच रहे हैं इसको ऑयल सेक्शन ना बना के इसको घी सेक्शन कर देंगे। तो दूध आया, दूध गर्म हुआ, उससे फिर दही बनाने के लिए रख दिया, फिर यहाँ पे बिलोना मत के उसको हमने मक्खन बना दिया, और इस तरफ यहाँ पूरा इस तरफ करेंगे ना, यहाँ पे जैसे ये ना ये वाला मतलब कुछ ऐसा इसको पक्का कर देंगे, और कंडों से या किसी चीज़ से स्लो कुकिंग करके मिट्टी के घड़ों में उससे फिर घी बनाएंगे उसको, फिर वहीं से वहीं अंदर ले जाएंगे। हाँ, वहीं से फिर वो पैकेजिंग यूनिट। ठीक है, तो घी का पैकेजिंग यूनिट अंदर हो जाएगा, बनेगा बाहर। ये पूरा अपना पक्का एरिया बन ही गया है, ये सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बता इतना महंगा हम लोग कुछ इसको यूज़ करेंगे, बट हमें कुछ यूज़ समझ भी नहीं आ रहा, तो उसको मिट्टी डाल के भरवा देंगे, प्लेन कर देंगे या स्विमिंग पूल बना सकते हैं भाई। एलवी का सांप जो आया था, एलवी का सांप है वो जहर वाला नहीं है, वो ब्रांडेड सांप है वो उसकी वो कहते हैं उसको तो पाल लो आप, मतलब बहुत लोगों ने कहा कि रसल वाइपर तो मैं भी डर गया था। नहीं, रसल वाइपर नहीं, रसल वाइपर थोड़ा पतला होता है। हाँ, पतला होता है ना। हाँ, वो बहुत मोटा था, वो मेरे को डर लगा। ये वाला तो बहुत फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली होता है, तो इंस्टाग्राम पे है वो उसका मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं। सड़क ऊपर है तो बाहर से सबको दिखता है, हमें लगा दीवार की लेंथ ठीक है, क्योंकि नीचे से दीवार नीचे है, मतलब ये जमीन नीचे है। फार्म का रेन वाटर बना हुआ है पूरे फार्म में, जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होगा पाइप है, हर दिशा से पाइप आ रहा है, ये आ रहा है धरती माता के अंदर चला जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम भी यहाँ पे, ये बेसिकली हमारा फार्म है, ये लैंड भी अपनी है इस गड्ढे के पहले तो यहाँ पे जैसी काउ जाएंगी गोबर ओबर करेंगी, तो गोबर यहाँ बिछा के इसको पूरा भी फर्टाइल करके, जैसे फर्टाइल नहीं है ना, तो यहाँ पे भी कुछ फार्मिंग कर सकते हैं, और काउ का चारा हम सोच रहे हैं, हम पूरा सेल्फ सस्टेनेबल बनने की कोशिश करेंगे, और काउ का चारा भी हम यहीं पर उगाएंगे। और वो जो पीछे लैंड देख रहे हैं, अभी हमारी बात इनिशिएट हो गई है इनसे भी, तो जो ये ओनर हैं इस फार्म के, ये भी लैंड उनकी ही है, अभी हमने वो लैंड ली नहीं है, क्योंकि हम अभी इनिशियली हम सोच रहे हैं 40-50 काऊ से स्टार्ट करेंगे, बट जैसे हम बढ़ाएंगे उसको ऊपर जाएंगे तो हम वो लैंड भी उनसे ले लेंगे, और यहाँ से पूरा एक रास्ता बना देंगे, तो वो पूरा
अपना काउ फ्री ग्रेजिंग करेंगी वहाँ पे मस्त अपना। और मेरा मानना है, और ये मतलब मेरा क्या वैसे भी है, कि गाय जितनी खुश रहेगी, जितना अच्छा से रहेगी, उतना अच्छा उसका दूध आएगा। जैसा बोलते होंगे ना कि यार माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो भाव से पिलाती है, तो वो भाव बच्चे में आते हैं। तो जितना खुश माँ रहेगी उतने खुश हम बच्चे उसके रहेंगे। तो हमें आज जेसीबी का काम था फार्म पे, तो वन मोर रीज़न आई एम हियर। हमने कहा भाई पैसे क्यों खर्च करने हैं फालतू जेसीबी ड्राइवर पे, अपना भाई है ना चलाएगा, कब काम आएगी हमारी इसके लिए। दिक्कत ही हो रही है यहाँ पे, मिट्टी इतनी लूज है ना आगे देखो भाई, और तेरी में से भाई ये चला रहा है, सहमा तो उतर गया भाई इतनी। ये देखो ये क्या हो गया यहाँ पे, हमसे चला ही नहीं भाई, इतना भयंकर। इसमें मेरे पहिए अपने आप ही घूमे जा रहे हैं, धरती का नीचे का पानी निकल आया भाई, इतना हमने नीचे तक खुदा दिया। भैया सही चलाया ना, कितने नंबर देंगे 10 में से? पूरे 9 नंबर। अरे भैया और क्या चाहिए हमको, अभी हाथ थोड़ा छूट गया ना, थोड़ा और चलाएंगे तो फिर एकदम बढ़िया मशीन चलाएगा। थैंक यू भैया, क्या नाम है आपका? अर्जुन। एक और प्राउड मोमेंट, एक और सांप निकला आज। अरे बाप, ये रूम भी तैयार हो गया हमारा, प्लास्टर चल रहा है यहाँ पे, तो बाहर की दीवार भी हो गई पुताई। सांप फिर आ गया है ऊपर। अरे वो निकाल, वो सांप निकाल रखा सामने। सांप बहुत आते हैं भाई यहाँ पे, ऊपर टिन पे सांप आ गया फिर से। टिन पे कैसे? तो ये हमारे जो फार्म की एंट्रेंस है, जहाँ से मेन सामान आएगा, पशुओं का चारा आएगा, जो पैक सामान होगा बाहर जाएगा, मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए जो डोर बन रहा है वो ये वाला डोर बन रहा है। अभी इसको पूरा प्लेन करना है, क्योंकि पहले बहुत बीच में गड्ढे गड्ढे थे, और बरसातों के आने के पहले हमको पूरा ही कराना है। और यहाँ पे भी हम इसको यहाँ पे इंटरलॉक लगवा देंगे ताकि जाने। लेकिन भैया बोल रहे हैं कि जो मिट्टी है ना, मतलब यहाँ पे बारिशों में कीचड़ नहीं होगा, ये वैसी मिट्टी है, ये पूरा सूख लेती है। अगर आपने हार्ड वाली, हमको लग रहा है ये हार्ड मिट्टी डलवा दो, अगर आपने हार्ड मिट्टी डलवा दी तो वो कीचड़ कर देगी, लेकिन ये मिट्टी अभी बिल्कुल सारा पी जाती है, सारा पी जाती है। जब घर बनता था तो हमें ये सब काम करने में बहुत मजा आता था, हम सोचते थे मम्मी हमको बड़ा होकर यही बनना है, हम यही करेंगे। मतलब जब आप बचपन में होते तो ये सब आपके लिए खेल होता है, जब हथौड़ी चलती थी, ईटा तोड़ते थे, प्लास्टर लगाते थे, तो मम्मी बड़े होकर यही करना है, तो ये समझ में नहीं आता था कि ये करने में कितनी मेहनत लगती है, उस समय हर चीज़ खेल लगता था। ये भी देखो तैयार हो गया है हमारा, ये भी तैयार हो गया है, ये भी सब प्लास्टर हो जाएगा। तो जब चिकना करते और चिकना नहीं करते तो क्या आपकी हाथ की कारीगरी है, बताओ? कुछ नहीं है, इसी को चाहोगे, इसी को चिकना कर दोगे, इसी को। हाँ अच्छा, तो हम ज़्यादा चिकना नहीं करवा रहे, ताकि बरसातों में जब नहीं भैया बरसातों में दिक्कत है ना, गाड़ी वाड़ी आएगी स्लिप करेगी ना। अच्छा, वो चिकना करने के लिए लगाते ना ऊपर से धोगा लगाते ना। भाई क्या बनाया लोगों ने, दरवाजे पे घुसते ही झंडास बना दिया भाई। अरे ये तो घुसते ही बना दिया, लेकिन ठीक है, ऐसा बुरा भी नहीं है। मतलब सॉरी मैं क्या दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बट हाँ इंडियन स्टाइल है तो अच्छा है। मतलब वैसे मैं क्या, मतलब मैं ऐसे दिखने में अभी मुझे बहुत छोटा लग रहा है क्या बना दिया, लेकिन हम जब पहले रहते थे जॉइंट फैमिली में, गोविंद नगर में, कानपुर में, ब्लॉक नंबर 1 में रहते थे, तो हमारा बाथरूम इतना ही छोटा था, मतलब इससे भी छोटा था शायद यार। तो मेरे को अभी जैसे देख के लग रहा है इतना छोटा छोटा, बट मैं ना रिमेंबर माई ओल्ड डेज, भूल जाते ना पुराने दिन अपने। यहाँ से देखने में फ़नी लग रहा है कि दरवाजे से ही दिख रहा है। अभी एक बार ऊपर चल के भी देख लेते हैं कि हमारे जो खुद के रूम्स हैं उसका क्या हिसाब किताब है, क्योंकि अभी जब आते हैं सुबह तो शाम को भी वापस जाना पड़ता है, क्योंकि रुकने का हिसाब किताब नहीं है। कल लेग्स मारी, टांग बहुत दर्द हो रही भाई, तूने भी कल लेग्स मारी थी। तो ये एरिया बड़ा मस्त लगता है अपने फार्म का यार, मेरे को नीचे से अच्छा तो यहाँ लगता है कि यहाँ कुर्सी डाल के बैठी। तो अभी यहाँ पूरा पानी डाल के हमने चेक किया था कि इसमें कोई छेद वेद तो नहीं, क्योंकि एक बार बरसात चलोगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। वो वाला तो पूरा ओके निकला है, यहाँ अभी ओके नहीं है, तो वहाँ हमारी डीलर से बात हो गई है, यहाँ पूरा अभी सोलर पैनल लगवाएंगे। तो हम बैटरी नहीं लगवा रहे, हम सिर्फ सोलर पैनल लगवा रहे हैं, हम मिक्स में यूज़ करेंगे, बैटरी से खर्चा हो जाता है। अभी यार है तो स्टार्टअप कितना खर्चा कर ले, तो हमें बहुत हाथ संभल के चलना पड़ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। आई थिंक एक चीज़ सबसे ज़्यादा हमें देखनी पड़ती है, जो स्टार्टअप को देखनी पड़ती है कि खर्चा। देखो पैसा तो लिमिटेड है, और काम कराने का कोई लिमिट नहीं है, जितना अच्छा करा लो, जितना करा लो, जो कराना करा लो। हमारा मेन है कि हम रोल कर दें, शुरू हो जाए, थोड़ा कैश फ्लो बने, फिर धीरे धीरे सब काम होता है। शाम को अच्छा लगता है, क्योंकि ये व्यू जो है
शहर में नहीं मिलता, ये यहीं पे मिलता है सुकून। देखो भाई गन्ने वन्ने सब जा रहे हैं, यहाँ गन्ने बहुत जाते हैं, गन्ने जाते हैं तो जैगरी भी यहाँ खूब बनती होगी। मतलब यूपी में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गन्ने का और जैगरी पाउडर का यहीं पे होता है। नहीं होता है, ऑर्गेनिक पूरा है, ऑर्गेनिक। आजकल ऑर्गेनिक जैगरी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो इस एरिया में बहुत होती है, क्योंकि शुगर केन बहुत है। राम राम भैया, स्माइल कर दो एक बार, स्माइल कर दो। ये ये जो लैंड दिखी, जो बाउंड्री है, ये पूरी लैंड भी जिससे हमने ये वाला लिया है फार्म, ये भी उन्हीं की है। तो कह रहे थे कि ठीक है, हम तो अभी यूज़ नहीं कर रहे, आपको अगर अपने गायों का चारा उगाना हो तो जैसे गायें बढ़ गई तो ये लैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब थोड़ा एडवांटेज है हमारे पास कि यहाँ पे आपको कितना भी अगर एक्सपैंड करना ऑपरेशन आराम से आप कर सकते हैं। वीडियो में वायरिंग कहाँ है? अच्छा, तो भैया वो लगाएंगे बाउंड्री वायरिंग, बंदर वंदर बच जाते हैं, बट कोई उनको नुकसान तो नहीं पहुँचता ना? नहीं किसी भी। तो भैया जैसे कोई अगर आदमी कूद के उसको भी झटका लगेगा, वो भी पीछे जाएगा, सिक्योरिटी के भी कुछ अलार्म भी बजता है कि सिर्फ झटका लगता है? बस झटका लगता है, अलार्म नहीं बजता कोई, और सायरन बजता है उसमें? बजता है ना। हाँ जी, सायरन होता है, जैसे कोई लाइन से टच होगा तो तुरंत सायरन बजेगा। वो ठीक है, पता चल जाएगा कोई चोर वोर भी आपको अगर बज रहा है तो थोड़ा नहीं, सिक्योरिटी रहती है भाई फार्म की। अच्छा ये लग जाते हैं पेंट तो आप? वीडियो है भैया, है कोई वीडियो है क्या? देखनी पड़ेगी, इसमें बहुत सारा मुझे वीडियो की कैसा बजता है सायरन, कैसा बजता है। आपको पता है डिफरेंशियल ब्रेकिंग होती है, तो अलग अलग रडर है, रडर अच्छा अलग अलग है, तो इसको अगर ऐसे कर दोगे तो दोनों एक साथ लगेंगे। ओके, डिफरेंशियल ब्रेकिंग होगी भैया। ओके, लेफ्ट ब्रेक राइट, ये गियर हो गई। ओके, कहाँ गिरा दिया बताना जरा, कहाँ से राइट में? राइट में, हाँ थोड़ा राइट में गिरा था। नहीं बहुत अच्छी चला रहा था। कितने साल हो जी तुमने चलाते हुए? 5 महीने। जस्ट लेफ्ट आर फार्म, आज टाइम से निकल गए, ओवर लोडिंग करी होगी है? पूरा गन्ने का ट्रक है यहाँ, गन्ना बहुत होता है भाई इस एरिया में, गजब। हम लोग इस समय यूपी में हैं, यूपी के खेत हैं, यूपी इज़ यू नो शुगर केन काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, महाराष्ट्र बेल्ट में भी होता है और इस यूपी बेल्ट में भी बहुत होता है। हमारे पड़ोस से आज कथा थी तो ये प्रसाद आया, वैसे तो मैं डाइटिंग पे हूँ लेकिन खाऊंगा नहीं, डाइटिंग पे तो हूँ लेकिन जो भगवान की कथा है तो फिर खा सकते है ना, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कथा वाला खा सकते है, इसमें शायद भगवान खाएंगे हम लेकिन कैलोरीज भगवान ले लेंगे। तो कथा का और प्रसाद का डाइट में खा सकते हैं क्योंकि इसमें कैलोरीज लगती नहीं। गजब, तू भी आ जा, जान निकल गई वॉक करने में। अरे बाप रे, जान मत निकालो भाई, अगली बार गोदी दो बच्चों को कैसे लूंगा भैया, एक बच्चे को तो लिया हुआ गोदी, एक छोटा बच्चा ऑलरेडी है ना वो गोदी में, तो चलो 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 चलो, सॉरी सॉरी सॉरी, बगल में घर है, इनको कार से आना है। अब दोनों में से किसको गोदी लो, तुम दोनों डिसाइड कर लो आपस में कौन गोदी आए। पीहू दीदी को गोदी ले थोड़ी देर, हाँ। चलो पीहूड़ी कितनी अच्छी है, उसने रो क्यों रहे हो अभी, आपने तो कहा था दीदी को गोदी ले लो। गाड़ी 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 साइड 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 पीहू साइड साइड, चलो आ जा आ जा आ जा पीहू, और गिर मैं खाती गिर जाऊंगी, तुम हाथ पकड़ो। रशि ने फाइनली अपनी गोदी का त्याग कर दिया पीहूड़ी के लिए, है ना। गोदी छोटों की होती है, छोटे की होती है, बाबे की नहीं होती, बाबे की नहीं है, छोटे की है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दीदी देखो, एक तो दीदी को गोदी नहीं मिली, ऊपर से कह रही है दीदी देखो बोल के और चिढ़ा रही है। थैंक्स रशि, सह लेंगे थोड़ा, बोल दो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। रशि गेम खेल रहे हैं, अभी रुक जाओ, यहाँ पे रशि को मुझे हंसाना होगा। थूको नहीं यार, मेरी बारी, चलो 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 चलो, सीरियस बैठो, सीरियस बैठो, हंसना नहीं है। परना, परना क्या? चलो, वा, 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 वा।
2 मिनट मस देती है यार, बेकार एकदम खेलती है।